अपने आप उठ रही है ये। मैं इसको ये सोच रहा था कि मैं VFX से कर देते हैं इसको, VFX से। इसके पंख तो एकदम पतले हैं फिर भी ये उड़ रहा है। रिव्यू ले रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो, देख रहे हो क्या लोकेशन है यार। असंभव, असंभव। क्या क्या ग्रेवी रखे आया हूँ मैं, ये सूरज मेरे को डुबा नहीं सकता। Hey guys, welcome back to my another vlog, और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं दुबई की बस के साथ। ये है दुबई की बस, ये देख सकते हो, बस ना है भाई, कार है, कितनी बड़ी कार है भाई, लैम्बोर्गिनी भी फैले इसके सामने। ये देख सकते हो कार कितनी बड़ी है भाई, बहुत बड़ी कार है ये कार देख लो गाइस, स्टार्टिंग में ही कार देख लो तगड़ी वाली, देख रहे हो कितनी बड़ी कार है भाई, इतनी बड़ी कार है कि मेरे को 15-20 कदम भाई कसम से बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी कार है यार, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी कार है ये देखो, ये ब्लैक कार है, और एक वाइट दिखाऊँ इसके सामने, ये देखो कितनी लंबी कार है। यहाँ पर तो फोटो शूट भी स्टार्ट हो गया है कारों का। ये है कार गाइस, ये वाइट कार है गाइस, ये देख सकते हो कितनी बड़ी कार है। मैं जा रहा था अभी फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, उससे जाने से पहले मेरे को एक कार दिख गई, तो मैंने सोचा फोटो शूट ही करा लूँ, क्योंकि लैम्बोर्गिनी तो दिखने से रही, लैम्बोर्गिनी वगैरह तो मेरे को दिखी ना है अभी तक, एक दिखी थी रोड पर चलते हुए, उससे क्या फायदा। ये देखो एक कार, कार कहाँ है, ये है हाहाकार, हाहाकार कार है, हाहाकार। मैंने जी वैगन तो बहुत देखी है, ये कार, इसका अगला 26683L। इधर दो इंडिया में नंबर अलग रहते हैं, यहाँ के अलग हैं। अभी जा रहा हूँ मैं फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, जो मैंने आपको बता दिया वीडियो में काफ़ी बार, उसके लिए कहाँ, अभी मैं इस टाइम पे हूँ दुबई मैक्स मेट्रो स्टेशन पर। मैक्स मेट्रो स्टेशन से अभी कौन सा मेट्रो स्टेशन तक हमको जाना है, और क्या करना है, कितने का टिकट मिलेगा, अंदर क्या सीन है, बाहर का क्या सीन है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मेरे जैसी डिटेल नहीं देगा कोई भी दुबई का, दुबई में कैसे रहना है, कैसे पीना है, सब कुछ इसी चैनल पर मिलेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुबई में गाड़ियाँ बहुत मस्त मस्त दिख रही हैं मेरे को, मस्टैंग ज़्यादातर यहाँ पे, मस्टैंग तो ऐसे हैं जैसे हाथ में खेला गूला गूला, मस्टैंग सबके पास मिल रही है, सबके पास। अभी ये पुल है, इस पुल पे मेरे को जाने का है, इधर पैदल जाते हैं, इस पुल पे मेरे को जाने का है, और इस पुल को मेरे को विजिट करने का, ये पुल है कैसा। मेरे को जाना है मेट्रो स्टेशन मैक्स, तो मेरे को रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, तो मैं देख रहा था कोई स्ट्रीट वगैरह मिल जाए, तो ये मेरे को पुल मिल चुका है, यहाँ से मैं चढ़ के जा रहा हूँ कहाँ पे, दुबई वो उस तरफ जहाँ पे मेरे को रोड क्रॉस करनी है, तो ऐसे रोड क्रॉस कर दूंगा मैं, चलते चलते रोड क्रॉस कर देता हूँ मैं। बोरी सामने बुर्ज खलीफा, भाई को सनग्लासेस अच्छा लगा, वो फोटो शूट कर रहे हैं। नाइस टू मीट यू ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? हंगरी। यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। हेलो इंडियन गाइस, hope to see you sometime. Sunglasses. Hi. Hi. कुछ भी कहूँ मैं इंग्लिश में, बात तो कर लेता हूँ। अभी यहाँ से थोड़ा व्यू देख लूँ मैं, ये व्यू है गाइस, देख रहे हो, इस तरीके का व्यू है कुछ, अकेले घूमने में मजा ही अलग है। जिंदा रहो तो घर पहुँच जाओ, ना तो मत पहुँचो। ये देख लो, ये जा रही है गाड़ियाँ, वाह। मैं रोड क्रॉस करके उधर जा रहा था, लेकिन उधर को जाना ही नहीं है, गलत चल के जा रहा हूँ मैं, फालतू में 200 मीटर चल लिया पुल पे, ऐसे इधर को उधर, उधर को उधर, यार अब चलो वापस जाना पड़ेगा, इधर सीधे होते हुए अभी पहुँच जाऊँगा। पसीना तो आ गया वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहना हूँ ना मोटी कपड़े, इसलिए। अपन मेट्रो में आ चुके हैं, और ये किया अपन ने कार्ड पिंच, 55 दिरहम है अभी अपने पास बैलेंस, 55 दिरहम यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया, और अपन को जाना है अभी फ्यूचर ऑफ दिस म्यूजियम। मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर ऑफ दिस म्यूजियम जाऊँ के नहीं जाऊँ, एक काम करता हूँ, फ्यूचर ऑफ दिस म्यूजियम की बजाय मैं इमरेट्स मॉल चला जाता हूँ। भाई साहब नहीं, चलते हैं फ्यूचर ऑफ दिस म्यूजियम चलते हैं गाइस। अपन को कहाँ जाना पड़ेगा इसमें देखना पड़ेगा, अपन है कहाँ पे अभी, मैक्स मेट्रो स्टेशन, यानी कि अभी अपन है इस जगह पे, अपन को जाना बर्जुमन यूनियन यू सिटी सेंटर एयरपोर्ट, इधर नहीं, अपन को जाना इधर से वर्ल्ड
इमिरेट्स टावर, फाइनेंस, बुर्ज खलीफा, बिजनेस ओपनिंग, मॉल ऑफ द इमिरेट्स, इस जगह पे जाना है गाइस, मॉल ऑफ द इमिरेट्स। नहीं 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 नहीं, अभी अपन को जाना है इमिरेट्स टावर, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे अपन, कहाँ पे, फ्यूचर ऑफ दिस म्यूजियम। उसके लिए अपन को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ वो नहीं, अपन को करना पड़ेगा स्टेयर्स का इस्तेमाल, जो कि ये चल रही है, काफ़ी मस्त स्टेयर्स। यू हो गए अपन खड़े और सीधा लेके चली जाएगी अपन को इमिरेट्स टावर, ठीक है। अब अपन को जाना है फ्यूचर ऑफ दिस इमिरेट्स टावर। मेट्रो से उतरते ही हम आ चुके हैं। अभी कौन सा स्टेशन आया पता है, मैप से पकड़ा मैंने सीधा कौन सा, इमिरेट्स टावर। ये देख लीजिए, ये रहा फ्यूचर ऑफ दिस म्यूजियम, जहां पर अपन को जाना है, जाके वापस आना है। अपना कटा हुआ है 3 दिरहम, कहाँ से कहाँ तक का, 3 मेट्रो स्टेशन का 3 दिरहम। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो रोबोट भी है, ये देख सकते हो। हेलो, मज़ा आया, रोते हुए भी हंसा दे, उसे टाइगर कहते हैं। अपन जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, इसके लिए जाना पड़ेगा अपन को लेफ्ट, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये गए लेफ्ट, मेट्रो से सब कुछ कनेक्ट है, सब कुछ। बुर्ज खलीफा भी मेट्रो से ही कनेक्ट था और ये भी मेट्रो से ही कनेक्ट है, म्यूजियम भी मेट्रो से ही कनेक्ट है, ठीक है। इमिरेट्स टावर आओ, वहाँ से सीधा पकड़ो इस पुल को और सीधा लेके जाएगा आपको म्यूजियम ऑफ दिस फ्यूचर। गाइस कसम से बता रहा हूँ, मेरे को 4-5 से एक तरफ से लाइन में रखी हुई वो मिल जाए, क्या 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 लैम्बोर्गिनी, तो पक्की वीडियो वायरल है, 2-4 मिलियन लग जाएगी। और अगर 2-4 मिलियन लग गई वीडियो पे यूट्यूब की पे, मजा आ जाएगा, 5-10 हजार सब्सक्राइबर्स यू ही बढ़ जाएंगे, यू ही। आई एम वेटिंग फॉर यू। भाई साहब इसको देख लो, ये है बिल्डिंग, तो क्या बात है भाई, यहाँ पे लगी है जी वैगन। ना ना यार, जी वैगन तो कुछ भी ना, उस गाड़ी के आगे बहुत तगड़ी गाड़ी रखी है, ये देख लो, ये रखी है ये वाली, गजब है ना, गजब लग रहा हूँ मैं गाइस। तो जल्दी से 500-600 बिलियन लगवा दो वीडियो पे, इस बिल्डिंग में ही फ्लैट ले लूँगा मैं। भाई जैसे जैसे चलता जा रहा हूँ, पता नहीं दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ओह माय गॉड, कसम से म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है भाई, ये देख लो यार। फाइनली गाइस अपन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अंदर एंटर हो चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत है ये, मैं बता नहीं सकता, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम का ही। और ये देख सकते हो किस तरीके का बना हुआ है, लाइटिंग किस तरीके से लगी हुई है, ये देखो लिफ्ट कितनी फास्ट है, काफ़ी फास्टेस्ट चीज़ है यहाँ पे। और अपन इसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन उस ऊपर का टिकट है और नीचे का फ्री एंट्री है, फ्री। अभी मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ियों का इस्तेमाल करके, अब देख सकता हूँ मैं इसमें कितना फ्री टिकट में अपन घूम सकते हैं। डोंट वरी गाइस, आप फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम फ्री भी घूम सकते हो, जैसे कि मैं घूम रहा हूँ, कोई टिकट नहीं है। यहाँ से तो मैं आया ही था बेटे, यहाँ से मैं आया था और यहीं को तू जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है यार। गाइस मैं अभी एक चीज़ देख रहा था मैंने, कि म्यूजियम में आते ही मेरे को एक चीज़ नहीं दिखी, ये देखो ये दिख गई, अपने आप उठ रही है ये। मैं इसको ये सोच रहा था कि मैं VFX से कर देते हैं इसको, VFX से, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, VFX नहीं है इसमें, ये जो भी है ये रियल है। और भाई ये उड़ कैसे रहा है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसके पंख तो एकदम पतले हैं फिर भी ये उड़ रहा है। भाई कसम से बहुत ही ज़्यादा VIP है ओ भाई, ये कितना ये, अबे शिट यार, बहुत ऊंचा है ये, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये। अभी देखो कोई चीज़ उड़ती है ना, उस चीज़ को मैं दिखाने के लिए ऊपर आया था।
इसका मैंने नीचे से व्यू ले लिया है, अब ऊपर से भी व्यू ले रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो कैसा बेहतरीन खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये कुछ समय के लिए आता है और फिर दोबारा वापस चला जाता है, उसी जगह पर रख देते हैं इसको। ये लोग गाइस, मैं इसके बाहर आ चुका हूँ। अब देख लो कितना बड़ा है ये फ्यूचर ऑफ दिस म्यूजियम। देख लिया कितना बड़ा है फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम। इसको देखने के लिए मैं आया था। मैं सोच रहा था ये बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा म्यूजियम है ये। अभी तुम्हें पता है मेरे चेहरे से ये वाइट वाइट कलर की कोई धूप सी लग चुकी है। यहाँ की जो धूल है वो धूल भी अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। नॉर्मल तरीके की धूल नहीं है, बहुत ही अलग धूल है। और ये देखिए कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है ये भाई। है बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। और ये पानी भरा हुआ है इसमें, ये बिल्डिंग है। तो व्हाट अ लुक गाइस, यार क्या लुक है, सॉरी क्या लोकेशन है। देख रहे हो क्या लोकेशन है यार। यहाँ एक चीज़ बताऊँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है यार जगह सही में। इन दोनों मियाँ बीवी के फोटो खींच रहा हूँ। इंग्लिश ना आती मेरे को, फिर भी ठीक है। इसके सामने फ़ोटो खींच लिया, इसके सामने फ़ोटो खींच लिया, व्यूको के सामने। और क्या चाहिए, और किस किस के सामने फ़ोटो खींचना है। सब घूमूंगा, सब पसीना आ रहा, पसीना की टेंशन नहीं है मुझे। वीडियो बननी चाहिए फुल। पैसा मुझे पूछो कैसे गया है, पता नहीं क्या क्या गिरवी रखे आया हूँ मैं। ये सूरज मेरे को डुबा नहीं सकता। ये भी लोकेशन ले ही लूँ वीडियो में, फ़ोटो डिलीट हो गया तो। काफ़ी मज़ेदार लोकेशन है। धूप तो लगी ना रही, इसके सामने वीडियो बना रहा हूँ ना, धूप लगी ना रही। धूप तो गायब ही हो गई है पूरी की प्योर।